नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक खूबसूरत अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में, जिन्होंने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में नाम कमा लिया था। उन्होंने बॉलीवुड को बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों, आइए दिव्या भारती के बारे में जानते हैं। एक्ट्रेस दिव्या भारती का जन्म 1974 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती, जो एक बीमा अधिकारी थे, और माता का नाम मीता भारती था। दिव्या भारती ने प्रारंभिक शिक्षा मानिक जी कॉपर हाई स्कूल से प्राप्त की थी। दिव्या भारती ने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र में बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें 1992 की एक्शन कॉमेडी फिल्म 16 और शबनम। दिव्या भारती ने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म बॉबली राजा से की थी। यह फिल्म वर्ष 1990 में प्रदर्शित हुई थी। बॉलीवुड में दिव्या भारती की पहली हिट फिल्म विस्मात्मा थी, जो बॉक्स ऑफिस में हिट रही थी। इसी वर्ष दिव्या भारती ने एक रोमांटिक फिल्म दीवाना में भी अभिनय किया था और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। दिव्या भारती ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में 21 फिल्मों में काम किया था। वे अपने समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थी। दिव्या भारती की कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार है: अंधा कानून, शतरंज, क्षत्रिय और रंग। ये सभी हिंदी फिल्में हैं, जो वर्ष 1993 में प्रदर्शित हुई थी। दिव्या भारती की अन्य प्रमुख फिल्में 16 और शबनम, दीवाना, दिल आसना है, विश्वात्मा, दुश्मन जमाना, दिल ही तो है, बलमान, गीत, जान से प्यारा, दिल का क्या कसूर है, जो वर्ष 1992 में प्रदर्शित हुई थी। उनका निकाह साजिद नाडियावाला से हुआ था। निकाह के बाद दिव्या का नाम बदलकर सना नाडियावाला रख दिया था। 5 अप्रैल 1993 को मात्र 19 वर्ष की आयु में दिव्या भारती की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, बताना आपको यह जानकारी और वीडियो कैसे लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।